अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप ठीक होंगे। वेलकम टू साइमस किचन। आज मैं बहुत ही स्पेशल डिश लाई हूँ जिसका नाम है काढ़ा, जो बहुत ही ज़्यादा जिस्म के लिए फ़ायदेमंद है, ख़ास करके उन औरतों के लिए जिनकी डिलीवरी के बाद जो कमज़ोरी महसूस करते हैं, खून की कमी हो जाती है, और ये पीने से सारी खून की कमी भी पूरी होगी और आपको वीकनेस भी महसूस नहीं होगी। चले देखते हैं किन अज़ा की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास 3 कप दूध है, 2 टेबलस्पून देसी घी है, 1/2 टीस्पून हल्दी, और ज़रूरत के मुताबिक मैं चीनी इस्तेमाल करूँगी इसमें, 2 टेबलस्पून पिस्ता जो मैंने इसको चॉप कर लिया है, और 2 टेबलस्पून गिरी है इसको भी मैंने चॉप कर लिया है, खोपरे की जो होती है गिरी वो है ये, इसको मैंने चॉप कर लिया है, और ये 1 टेबलस्पून भर के किशमिश है इसको भी मैंने मोटा मोटा चॉप कर लिया है, 5 इलायचियाँ हैं, 4 से 5 मेरे पास छुहारे थे जिनको मैंने चॉप कर लिया है, और ये 2 टेबलस्पून भर के बादाम ये भी चॉप। चलिए इसको पकाना शुरू करते हैं। ये मैंने चूल्हा जला लिया है, अब मैं इसमें सबसे पहले डालूँगी ये देसी घी, और साथ इसमें डाल दूंगी ये इलायची, इसके मुंह मैंने खोल दी है इलायची के। अब ये थोड़ा सा घी हमारा मेल्ट हो जाए, ये जब हमारा घी गर्म हो जाएगा इलायचियाँ जो है वो कड़कड़ाने लग जाएंगी, तो इसमें ये सारे आपने ड्राई फ्रूट्स डाल देने हैं। अब हम इसको लो फ्लेम पे इसको हम भूनेंगे तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। जिनकी कमर में दर्द रहता है वो भी इसको पिएं, आपको इसका ज़रूर फ़ायदा पीने से होगा। लड़कियों को भी दें पीने के लिए, आजकल के हमारी जो बच्चियां हैं वो बहुत ही ज़्यादा वीक हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है, खून की कमी है जिनको, वो भी ये पिएं। ये 1 से 1.5 मिनट हो गया, इसी तरह मैं इसको लो फ्लेम पर भून रही थी। अब इसमें मैं दूध शामिल कर दूँगी, ये इसमें दूध डाल दिया मैंने, और इसमें डाल दूंगी ये मैंने जो 1/2 टीस्पून आपको हल्दी बताई है ये भी डाल दूंगी। ये दूध हमारा पकना शुरू हो चुका है, अब मैं इसमें डाल दूंगी चीनी ज़रूरत के मुताबिक, कुछ तो ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं, और मैं इसमें ज़रूरत के मुताबिक डालूँगी। इसमें तकरीबन मैंने अभी 2 से 3 टीस्पून डाली है, अगर आपको कम लगे तो आप और डाल सकते हैं। ये इसको 2 से 3 मिनट हो गए हैं, मैं इसी तरह इसको लो फ्लेम पे पका रही हूँ। ये देखिए काढ़ा हमारा बिल्कुल तैयार है, मीठा भी मैंने इसका देख लिया है, परफेक्ट है। मैंने इसमें 3 टीस्पून चीनी डाली है, क्योंकि मैं थोड़ा कम मीठा इस्तेमाल करती हूँ, अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है आप चीनी और शामिल कर सकते हैं। ये काढ़ा हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है, अब मैं इसको बॉल में निकाल लूँगी। ये काढ़ा बिल्कुल तैयार है, आप इसको ज़रूर बनाएं, सब पिएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि ये काढ़ा आपको कैसा लगा है, और दुआ में याद रखें। अगली वीडियो के साथ मिलेंगे, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।